एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सुबु स्टाइल। मैं हूँ सुमन और कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल अफोर्डेबल मेकअप लुक फॉर कॉलेज गर्ल, ऑफिस गर्ल, टीनेजर्स, बिगनर्स। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो कि हर किसी के पास ईजिली अवेलेबल होगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिलाने का मेकअप सेटिंग स्प्रे। बेस करने से पहले अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हो ना तो आपका बेस बहुत ही फ्लॉलेस लगता है, वो जल्दी पेची नहीं होता, केकी नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं प्राइमर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब प्राइमर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली प्राइमर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे सीसी क्रीम। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी और इसे अच्छी तरह से अपने फेस और नेक पे डॉट 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 करके अप्लाई कर लूँगी। एक बात का आप ध्यान दें कि आप जब भी बेस कर रहे होते हो ना, फाउंडेशन, सीसी क्रीम या बीबी क्रीम यूज़ कर रहे होते हो, तो आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करें, थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करें। क्योंकि अगर आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो ना तो आपका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और आपके प्रोडक्ट भी वेस्ट होते हैं। तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आपको सेकेंड लेयर की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली सेकेंड लेयर यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलाने का लूज़ पाउडर। अकॉर्डिंग टू कॉम्पैक्ट मुझे लूज़ पाउडर ज़्यादा बेटर लगता है, बट अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है तो आप अपने बेस को कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हो। बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी और इसके साथ में पाउडर को सेट करने के लिए एक पाउडर पफ भी आता है। अगर आपको कुछ भी ना करना हो ना तो आप सिर्फ कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर भी यूज़ कर लो ना, तो इससे भी आपका लुक बहुत फाइन लगता है। अब मैं अपने आईब्रो को फ़ील कर रही हूँ और मेरे पास आईब्रो फ़ील करने के लिए कोई भी आईब्रो पेंसिल नहीं है। तो वो जो आई शेडो का ब्राउन वाला कलर होता है ना, तो उसी से मैं अपने आईब्रो को फ़ील कर लेती हूँ। जब भी मुझे अपने आईब्रो फ़ील करना होता है तो मैं ब्राउन कलर यूज़ करके अपने आईब्रो को फ़ील करती हूँ और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने आई शेडो अप्लाई किया हुआ है आईब्रो पे फ़ील करने के लिए। बहुत ही अच्छा आईब्रो फील होता है ब्राउन कलर से। अगर आपके पास भी आई पेंसिल ना हो ना तो आप भी ब्राउन कलर या ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो आई पैलेट का, अपने आईब्रो को फील करने के लिए बहुत फाइन लुक आता है। आँखों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अपने आईलेस को कर्ल कर रही हूँ। बिकॉज मैं कोई भी आई शेडो अप्लाई नहीं करने वाली हूँ इसलिए मैं अपने आईलेस को कर्ल कर रही हूँ ताकि जब मैं मस्कारा लगाऊँ ना तो मेरी आँखें बहुत अच्छी लगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल अपनी आँखों को और कजरारी बनाने के लिए। कजरारी तेरे काले काले नैना, मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैनू में चिपके रहना। गाइस गाने के चक्कर में मैं बताना भूल गई कि काजल को मैंने अपने लोअर लेस और अपर लेस दोनों पे अप्लाई किया है ताकि विदाउट आईलाइनर की भी मेरी आँखें मस्त लगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मिलाने का मस्करा। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ने सारे प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन परचेज किया था इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक नहीं दे पाऊँगी। अगेन मैं भूल गई, एक्चुअली जब मैं ब्लश अप्लाई कर रही थी ना तो मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, पर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एज अ ब्लश लिपस्टिक यूज़ किया है। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी।
आप जब भी ब्लश अप्लाई करते हो ना, तो उसे ब्लेंडर की हेल्प से जरूर ब्लेंड किया करो। इससे ब्लश बहुत नेचुरल लगता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का मेट लिक्विड लिपस्टिक। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में है ये लिपस्टिक और कलर भी बहुत प्यारा है। डेली बेसिस के लिए ये कलर परफेक्ट है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। बहुत ही सिंपल और नेचुरल लुक लग रहा है मेरा। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने मेकअप करा है। तो अगर आप बिगनर्स हो, टीनेजर्स हो, कॉलेज गर्ल हो, ऑफिस गर्ल हो, तो आप ये लुक ज़रूर ट्राई करना। डेली बेसिस के लिए ये लुक परफेक्ट है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।